नमस्कार भावी शिक्षक जन। जैसा कि आपको पता है, जनवरी में एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा है, जिससे आप क्या होंगे, प्राथमिक स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर बन पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे भावी शिक्षक जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमारी संस्था एमपी टेट वर्ग 3 का एक पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए एक योजना लेके आई है, ठीक है। इसी योजना में हमारे विभिन्न अलग अलग शिक्षक हैं, शिक्षकगण, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट तैयार कराएंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हैं इसमें, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बाल विकास सब्जेक्ट है, बाल विकास सब्जेक्ट 30 नंबर का आएगा, गणित सब्जेक्ट 30 नंबर का आएगा, पर्यावरण सब्जेक्ट 30 नंबर का आएगा। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, मतलब ये सभी के लिए कॉमन है, सभी को ये सब्जेक्ट देना पड़ेंगे, इसकी तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। उसके बाद दो सब्जेक्ट हैं भाषा के, जिसमें आपको दो भाषा चुननी पड़ेगी, एक स्पेशल लैंग्वेज, एक आपको सेकेंडरी लैंग्वेज चुनना पड़ेगी जो आपकी औपचारिक भाषा है, ठीक है, उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। तो इसी योजना के अंतर्गत, ठीक है, मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसकी जो भी शिक्षा शास्त्र है इसका, वो हम क्या आज चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो बाल विकास है वो किस तरीके से पूछा गया आएगा, ठीक है। जो व्यापम का सिलेबस है, जो आपके योजना बनाना है, आपको पढ़ने की योजना बनाना है बाल विकास को, वो किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, वो सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो बाल विकास के सबसे पहले जानना बड़ी जरूरी है। एक बाल विकास टॉपिक है जिसके अंदर लगभग 15 टॉपिक इन्होंने दिए गए हैं, और 15 टॉपिक से ये लगभग 15 नंबर का आपसे पूछेंगे, ठीक है, यहां से आपको 15 नंबर चाहेंगे। दूसरा इन्होंने एक रखा है, समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, जब मतलब दिव्यांग बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों की समझ के लिए कैसे शिक्षा योजना बनाई है, ऐसे इसके लिए इन्होंने इसमें 5 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया है, और इसको इन्होंने 5 नंबर के लिए रखा है, ठीक है। अगला है इन्होंने अधिगम और शिक्षा शास्त्र, मतलब पैडागॉजी, जो आपको पैडागॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो इसको इन्होंने लगभग 10 चैप्टर में डिवाइड किया है, ठीक है, और 10 चैप्टर इन्होंने लगभग 10 मार्क्स के रखे, इसमें से आपको 10 मार्क्स पूछा है। कुल मिलाकर ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी भावी शिक्षक जन जो परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, जो भावी शिक्षक जन शिक्षक बनने वाले हैं, उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप हमेशा डीएड और बीएड जैसे परीक्षाएं दे के आते हैं, ये डिप्लोमा करके आते हैं, तो इन डिप्लोमा में आपको बाल शिक्षा और बाल विकास के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कि आपको पता चले, कि आप बालक के साथ किस तरीके से व्यवहार करें। आप शिक्षक हैं, आप जरूरी नहीं है उससे एक शिक्षक, जो आज हम देखते हैं आज की परंपरा में, आज के शिक्षक जो स्कूलों में देखते हैं, जिसमें हम बस क्वेश्चन रटाते हैं, उनको लिखाते हैं, विशेष बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, उसके विकास किस रुका हुआ है, भाषा में क्या कमियां हैं उसकी, ठीक है, उसके सामाजिक विकास में क्या कमियां हैं, वो उसका परिवार से और आपकी शिक्षा में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आपकी जो किताबी शिक्षा है और उसकी जो मूल शिक्षा है, मूल भाषा है, वो उसमें संबंध स्थापित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें हमें शिक्षक को आनी चाहिए। हम शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को, विशेष बच्चों को हम अलग कर पाएँ, हम बच्चों पर ध्यान दे पाएँ कि वो खेल कूद में रुचि रख पा रहा है या नहीं, ऐसे बच्चों को हम अलग कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। ये क्या है, बाल विकास जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो, और वो कौन से शिक्षक बनने वाले हो, आप एक ऐसी अवस्था के शिक्षक बनने वाले हो जो आप बाल अवस्था, कौन सी, बाल अवस्था को पढ़ाने वाले हो, ठीक है। बाल अवस्था मतलब होता है लगभग 6 से 12 वर्ष के बाद, ये बाल अवस्था आप प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षक पढ़ाते हैं, तो ऐसे में हमें बाल विकास जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी क्रम में
हम पूरे सब्जेक्ट को लगभग 15 से 20 दिन में खत्म करेंगे। और हमारी योजना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे 15 चैप्टर हैं, तो उन 15 चैप्टर को हम एक एक करके खत्म करेंगे और हर चैप्टर के बाद लगभग 30 से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे, और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है, समझने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कराएंगे, ठीक है। और जब हम पूरा बाल विकास पढ़ लेंगे, जब हम पूरा बाल विकास पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लगभग पूरे बाल विकास के लगभग 2 से 2.5 हज़ार प्रश्न हम करवाएंगे, लगातार 4 से 5 घंटे की क्लास ली जाएगी, आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बाल विकास सब्जेक्ट आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम आपको बता देते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने आपको तीनों चीज़ें बता दी जो आपकी सिलेबस में दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास में उन्होंने 15 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें आपको बाल विकास की सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो बाल विकास से जो भी चीज़ें आएंगी, हम उनको आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है जो आज हम उठाने वाले हैं, उसका नाम है बाल विकास की अवधारणा, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो बाल विकास है, उसमें जो विकास शब्द है उसका मतलब क्या होता है। विकास शब्द का मतलब होता है एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो आपके जीवन पर्यंत, मतलब जब तक आप जीवित हो तब तक लगातार क्या रहती है, चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसे कहते हैं विकास। लेकिन अब वृद्धि और विकास में अंतर पूछ जाए, ऐसा आप बोल भी सकते, ये तो वृद्धि है, लेकिन वृद्धि हमेशा शारीरिक होती है, विकास हमेशा क्या होता है, इसका एक क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, इसमें आपकी शारीरिक वृद्धि भी हो जाएगी, मानसिक विकास भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी कई क्षेत्र हैं जो विकास के अंदर आते हैं, आपकी सामाजिक विकास, आपके संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, आपके भावनात्मक विकास, ऐसे विकास आप हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, बाल विकास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास होता क्या है, ठीक है। तो विकास, विकास क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा होगा हमेशा विकास होता रहता है, शारीरिक विकास 22 साल के बाद या 30 साल के बाद बंद हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास हमेशा रहता है, हम लोग सीखते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है, हम चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमारी परिपक्वता बढ़ती रहती है, प्रौढ़वस्था में हम चीज़ों को, नई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हमने अपने उसके अनुसार हम अपने व्यवहार को चेंज करते हैं। तो विकास हम तब तक करते हैं जब तक हमारा जीवन है, तो विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है। तो बाल विकास क्या है, ठीक है, तो बाल विकास क्या है, तो ये बाल विकास जो है उसकी अवधारणाएं, इनकी परिभाषा है जो अलग अलग लोगों ने दी है, क्या दी है, अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी है, जिसको टॉपिक में दिया गया है बाल विकास की अवधारणाएं, मतलब परिभाषा क्या क्या लोगों ने बोला है, तो इनकी अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अवधारणाएं। बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बाल विकास की अवधारणाएं अलग अलग दी, तो सबके अनुसार बाल विकास की जो परिभाषा है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हम इन्हीं परिभाषा को, उन्हीं अवधारणाओं को समझने वाले हैं। तो क्रो एवं क्रो ने बोला कि बाल विकास में हम क्या करते हैं, गर्भावस्था, गर्भावस्था से लेकर क्या करते हैं, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक, क्या तक, गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था के प्रारंभ होने तक की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की जो अवधारणा है बाल विकास की वो ये है। अगला है बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो वह मनुष्य के जो विकास में जो अवस्थाएं आती हैं, मनुष्य के विकास की जो अवस्थाएं आती हैं, मतलब इन अवस्थाओं में जैसे शैशव अवस्था हुई, बाल अवस्था हुई, किशोर अवस्था हुई, ठीक है, तो ऐसी सारी अवस्थाएं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, उन अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उनका जब हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसी अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाल विकास कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ये किसने बोला, हरलोक ने बोला, ठीक। अगला क्या है, बाल विकास में गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा परिपक्वता, जब तक आपकी परिपक्वता नहीं, ऐसी अवस्थाओं के जो क्रियाएं होती हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये किसने बोला है, आइजेंक ने बोला है। तो जो बाल विकास की अवधारणा है ये आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे
ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सीधा सीधा लिख के जाएगा कि ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं काफी टेट एग्जाम में, तो ये तीनों चीजें आप नोट कर लें, नोट्स मिल जाएंगे। और जो नोट्स नहीं बना पाएंगे उनको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमपीपीएससी मेंस, ठीक है, एमपीपीएससी मेंस 2020, ये क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसकी तो हमने बाल विकास की जो अवधारणा है उनको समझ लिया। सब मनोवैज्ञानिक ने अपने अपनी बाल विकास के बारे में जो अवधारणा है, परिभाषा है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। क्रो एंड क्रो ने अलग तरीके से किया, हरलोक ने अलग तरीके से किया, आईजेंक ने अलग तरीके से किया। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसी तरीके से कोई ना कोई एक प्रश्न दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो अगला हम चलने वाले हैं बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इन्होंने बोला, क्रोन क्रोन ने बोला कि जो आपकी गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था की प्रारंभ तक की जो अवस्था है जिसमें जो क्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में हम कौन कौन सी अवस्था आती है। ऐसे आईजेंक ने क्या बोला, इन्होंने तो सब अवस्था ही बता दी, गर्भ अवस्था क्या थी, शैशव अवस्था का भी इन्होंने अपने जिक्र किया। ठीक है, तो इन्होंने सारी अवस्था को जिक्र किया, तो इन्हीं अवस्थाओं को हमें पढ़ना है कि बाल अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, बाल अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये हमें को यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक है, कौन सी बाल अवस्थाएं होती हैं, तो बाल अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले कौन सी होती है, गर्भावस्था होती है, उसके बाद आती है शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, फिर आती है बाल्यावस्था, ठीक है, ठीक है, फिर आती है किशोर अवस्था, अगली है प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था क्या होती है, गर्भावस्था का मतलब होता है माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें जो विकास हो रहा है। ठीक है, उस विकास को हम किस में पढ़ेंगे, बाल विकास में हम क्या करेंगे, गर्भावस्था वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जो बालक होता है, जो शिशु होता है, वो अपने माँ के गर्भ में रहता है। तो ये जो अवस्था होती है लगभग क्या होती है, 0 से लेकर 330 दिन के लगभग की होती है, किसे, 0 से लेकर 330 दिन के लगभग की होती है। ठीक है, ये होती है गर्भावस्था। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, गर्भावस्था क्या होती है, इनमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या दो चीजें होती हैं, इसमें होता है एक बीजाणु अवस्था, ठीक है, एक होती है भ्रूण अवस्था। बीजाणु अवस्था क्या होती है, ये लगभग 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, कौन सी, 2 सप्ताह तक की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो क्या अंडानुमा आकार का होता है, छोटा सा होता है गर्भ के अंदर। और भ्रूण अवस्था क्या होती है, जो कि लोग 2 सप्ताह से लेके 3 माह तक की चलती है। भ्रूण अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास, शारीरिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और शारीरिक विकास विकास जो बच्चे का होता है वो हमेशा सिर से स्टार्ट होता है और बाद में पैर तक होता है। ठीक है, क्योंकि सिर से स्टार्ट होकर पैर तक होता है। इसी अवस्था में जो 2 से 3 सप्ताह के है, 2 सप्ताह से लेकर 3 माह तक की जो अवस्था है भ्रूण अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चे के फेफड़े बनते हैं, बच्चे का हृदय बनता है। ठीक है, ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां बनती हैं, ये क्या होता है भ्रूण अवस्था में। शैशव अवस्था क्या होती है, शैशव अवस्था का जो निर्धारण किया गया है वो है जन्म से लेकर जो 6 वर्ष तक की अवस्था है, जन्म से लेके जो 6 वर्ष तक की अवस्था है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था उसको शैशव अवस्था कहते हैं। बाल अवस्था वह अवस्था होती है जो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था होती है उसको बाल अवस्था बोलते हैं, और 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था बोलते हैं, और 18 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था है इसको प्रौढ़ावस्था, या फिर इसमें क्या आ जाता है आपको, परिपक्वता आ जाती है, इसे परिपक्वता अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जान लिया कौन कौन सी अवस्था होती है, बाल अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, गर्भावस्था होती है सबसे पहले, उसके बाद कौन सी, शैशव अवस्था होती है। शैशव अवस्था कब होती है, गर्भधारण जब आपका जन्म हो जाता है, जन्म से लेके 6 वर्ष की जो आयु है उस आयु की जो सीमा है वो कौन सी किसमें आएगी, आपकी शैशव अवस्था में। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की जो आयु है वो आपकी कौन सी होगी, बाल अवस्था होगी, बालक की कौन सी होगी, बाल अवस्था कहलाती है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, हमने कौन कौन सी अवस्था देख ली, हमने देखी गर्भावस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था थी शैशव अवस्था, अगली अवस्था जो थी बाल्यावस्था, अगली अवस्था किशोर अवस्था,
प्रौढ़ अवस्था, कौन सी? प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। ये सारी अवस्था देख ली, और ये जो अवस्था है ये कौन सी होती है? 0 से 9 माह के लगभग होती है लगभग, ठीक है। ये गर्भ अवस्था होती है 0 से 9, ये हमने देखा था, ये होती है लगभग जब आपका जन्म हो जाता है, जन्म से लेके 6 वर्ष, ठीक है। ये होती है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष, 12 से 18 किशोर अवस्था, और 18 से ऊपर, ठीक है, ये कौन सी? प्रौढ़ अवस्था। अब गर्भ अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होता है मां के गर्भ के अंदर होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पालक अवस्था ही बोलते हैं। पालक मतलब माता पिता की अवस्था। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है पालक अवस्था कौन सी होती है, तो पालक अवस्था होती है गर्भ अवस्था, पालक अवस्था होती है। आपसे पूछा जाएगा शैशव अवस्था है, तो शैशव अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जब जो अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं। इस समय क्या होता है? इस समय सबसे ज्यादा इंसान क्या करता है? भाषा सीखने के लिए, भाषा सीखने की सबसे अच्छी जो अवस्था है वो कौन सी होती है? शैशव अवस्था। आपने देखा होगा 6 से लेकर 10 माह के जो बच्चे हैं वो एक शब्द बोलना सीख जाते हैं, माँ, माता, मम्मी, पापा, पानी। तो ऐसे क्या करते हैं ये, फिर जब यही बच्चे 2 साल के हो जाते हैं थोड़ा और वर्ड सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं शैशव अवस्था जो होता है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? भाषा सीखने की बहुत ज़्यादा क्या होता है? तेज से सीखते हैं भाषा, बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं, ठीक है, शैशव अवस्था में। और इस अवस्था में क्या होता है? सामाजिक सामाजिक अभाव रहता है, सामाजिक अभाव, सामाजिक जो भावना है, सामाजिक जो निर्माण है उसका अभाव रहता है। बच्चे बहुत चंचल रहते हैं इस अवस्था में, ये चंचल अवस्था भी है, ठीक है, खिलौनों की अवस्था भी है, शैशव अवस्था खिलौने की अवस्था भी है, सामाजिक अभाव भी रहता है इसमें, ठीक है। अब आ जाता है बाल अवस्था, ये अवस्था कौन सी होती है? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की। तो यही अवस्था किसके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है? प्राथमिक शिक्षक के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। किसके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है? प्राथमिक शिक्षक के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, कि इसी में बच्चा 1 से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ता है, ठीक है, ये बाल अवस्था में। तो इस अवस्था को बोलते हैं शिक्षा अवस्था, ठीक है। शिक्षा अवस्था क्यों बोलते हैं? यहीं पे वो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा को समझना शुरू करता है, सबसे पहले शिक्षा का मतलब जानना शुरू करता है। शिक्षा में जो रुचि दिखाता है, सब्जेक्ट में जो रुचि दिखाता है, विषयों में, वो कौन सी? बाल अवस्था में दिखाने का शुरू करता है। ये अवस्था कौन सी होती है? खेल कूद की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? भाषा जो होती है हम सही से बोल पाते हैं, सीख तो हमने यहां लिया लेकिन हम बोलना कहाँ सीख पाते हैं, ठीक है, वो यहां से सीख पाते हैं। कहां से सीख पाते हैं? इस अवस्था में सीख पाते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में हम तार्किक, थोड़ा तार्किक तौर पे भी सोचना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आ जाती है किशोर अवस्था, तो इस अवस्था को भूचाल अवस्था ही बोलते हैं। कौन सी? भूचाल अवस्था, ठीक है, कौन सी? भूचाल अवस्था। क्यों भूचाल अवस्था बोलते हैं इसको? क्योंकि इस एज में क्या होता है, इस एज में क्या होता है, बच्चे को क्या होता है, यौन संबंधी, जो यौन संबंधी क्या होती है, यौन संबंधी विकास होता है, ठीक है, यौन संबंधी विकास होता है। ऐसी अवस्था में बच्चों को क्या बोलते हैं? भूचाल अवस्था में, भूचाल अवस्था में बच्चे काफी कष्ट झेलते हैं इस अवस्था में, मन विचलित होता है इस अवस्था में, मन स्थिर नहीं रहता, इसी को अस्थिर अवस्था भी बोलते हैं। क्या? अस्थिर अवस्था, ठीक है, क्योंकि इस समय में बच्चे के जो यौन होते हैं, यौन संबंधी जो क्रियाएं होता है उनके क्या होता है? निर्माण होता है। ये कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में होता है। तो इस अवस्था को भूचाल अवस्था भी बोलते हैं, यौन अवस्था भी बोलते हैं, विकास अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, किसमें बोलते हैं? किशोर अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है? तार्किक तौर पर थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है। क्या करता है? तार्किक तौर पर थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है, ठीक है, ये होगी आपकी किशोर अवस्था। अब प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आप परिपक्वता आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है? परिपक्वता, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप चीजों को बिल्कुल तार्किक तौर पे सोचने लगते हैं, ठीक है।
तार्किक तौर पे सोचने लगते हैं। आप किसी वस्तु, ठीक है, किसी नियम, किसी वस्तु या किसी इंसान के प्रति क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, तार्किक तौर पे सोच सकते हैं, खुद के नियम ले सकते हैं, खुद के डिसीजन ले सकते हैं। वह अवस्था कौन सी होती है? प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। तो हमने बाल अवस्थाएं पढ़ ली। हमने कौन कौन सी बाल अवस्थाएं पढ़ी? हमें आगे की नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यही अवस्था जान के जरूरी है कि गर्भावस्था क्या होती है। हमें पता चल गया गर्भावस्था क्या होती है, हमें शैशव अवस्था पता चल गया, शैशव अवस्था कौन सी होती है, हमें बाल अवस्था पता चल गया, किशोर अवस्था पता चल गया और प्रौढ़ अवस्था पता चल गया। अगला जो चैप्टर था, इसके जो अगला चैप्टर दिया गया उसमें हमने देखा है इसको प्रभावित करने वाले कारक बाल विकास, तो हम जब उसमें जब जाएंगे तो उसके अंदर जब हम कारक पढ़ेंगे तो इन्हीं अवस्थाओं के अंदर हम पढ़ेंगे कि गर्भावस्था में कौन कौन से सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से मानसिक कारण हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं अवस्था, ऐसे कारक भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? अवस्थाएं पढ़ लिया। तो बाल विकास के जो आयाम है, बाल विकास किस पे निर्भर करता है, वो हमारा करता है शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, संवेगात्मक मतलब इमोशनल जो तुम्हारा विकास है उस पर, सामाजिक विकास पर, भाषाई विकास पर और क्रियात्मक विकास मतलब गात्मक। अभी शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास से मतलब होता है कि तुम्हारे जो शरीर के अंदर जो विकास हो रहा है, अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से जो विकास हो रहा है उसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। मानसिक विकास से संज्ञानात्मक विकास ऐसा विकास होता है जिसमें आपकी बुद्धि मतलब दिमाग, आप कितना सोच पा रहे हैं, आपका मन का मतलब मस्तिष्क कितना ज़्यादा विकास कर पा रहा है, सोचने की जो प्रवृत्ति वो कितना हो जाता है, तो इसमें हम किस पर पढ़ जाते हैं? मानसिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास होता है संवेगात्मक मतलब इमोशनल विकास उसे बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इमोशन को डेवलप कर पाते हैं। इमोशंस मतलब होता है संवेग, मतलब आप दुख सुख ऐसी चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास होता है कि हम आप समाज में किस तरीके से सामाजिक विकास कर पाते हैं, समाज में रह के कैसे समाज में आप किस तरीके से घुल पाते हैं, समाज से किस तरीके से आप मिल पाते हैं, आपके समाज में जो चीज़ें हैं उनको आप किस तरीके से ग्रहण कर पाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी सामाजिक विकास में। भाषाई विकास होता है कि आप जो बोलने वाली चीज़ें हैं, आपका जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, बोलने का जो माध्यम है, वो किस तरीके से भाषा का आप विकास कर पाते हैं, तो ये हम भाषाई विकास में बढ़ते हैं। अगला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि आप हाथ पैर चलाना, खेलना दौड़ना, ठीक है, मोशंस करना, ठीक है, जिसमें आप गात्मक विकास भी बोलते हैं, क्या है गात्मक विकास, तैरना वगैरह, तो ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियात्मक या गात्मक विकास। तो ये सब चीजें जो विकास है, ये सारे विकास पूरी तरीके से बाल विकास, क्या है, जो बाल विकास है उस पर निर्भर करते हैं। तो बाल विकास जो आपका है वो इन सभी पे निर्भर करता है। एक बच्चे का पूर्णता बाल विकास तभी होगा जब उसका शारीरिक विकास सबसे सटीक होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास सही होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें एक इनकी एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है, उन्हीं उम्र के अंदर ही अगर आपके शारीरिक विकास बिल्कुल सही हो रहा है, मानसिक विकास आप बिल्कुल सही हो रहा है, संवेगात्मक विकास आपका सही हो रहा है, तो आपका बाल विकास है वो भी आपका सही होगा। क्या होगा? सही होगा, ठीक है, क्या होगा? सही होगा। जो आपका मानसिक विकास है, जो आपका मानसिक विकास है किस पर निर्भर करता है? शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आपका शारीरिक विकास है, आप कुपोषण से संबंधित बीमारी से नहीं है, बचपन में आप कुपोषण हो गया, आपको बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन में कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, ऐसे समय में और शारीरिक समस्या ऐसे समय में क्या होता है, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है, मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है। संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल जो विकास होता है, जो इमोशनल ठीक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, आपका सामाजिक विकास पर निर्भर करता है, भाषाई विकास पर निर्भर करता है, ठीक है, क्रियात्मक विकास पर निर्भर करता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शारीरिक विकास किस पर निर्भर करता है, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, अच्छे आहारों पे, ठीक है, अच्छे अच्छे खान पीन पे। मानसिक विकास पे निर्भर करता है, शारीरिक विकास पे निर्भर करता है, ठीक है, किस पर होता है, शारीरिक विकास पे निर्भर करता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। अगला है बाल विकास का अधिगम से संबंध, ठीक है, अधिगम से क्यों संबंध होना चाहिए, जरूरी है। एक बच्चा की सबसे बड़ी जो पहली चीज़ होती है वो सीखने की कोशिश करता है। आप जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्या होता है, बच्चा को बहुत से लोग परिवार में खिलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मामा पापा, बोलना सिखाते हैं, तो वो सबसे पहले सुनता है चीज़ों को, ग्रहण करता है, लिसनिंग पावर उसकी अच्छी होती है, ठीक है, फिर उन चीज़ों को समझता है, फिर माँ पापा बोलना है, लेकिन ये नहीं सीखता है कि कौन माँ है कौन पापा, ये वो जानता नहीं है, इन चीज़ों को उसको बोलने बस वो बोलना सीख जाता है, ठीक है। वही बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, उन चीज़ों का अर्थ निकालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, समझना सीख जाता है, उसको पहचानना सीख जाता है,
ठीक है, फिर वही बच्चा, वो वर्ड जो वो माँ और पापा यूज कर रहा है ना, वो एक परफेक्ट इंसान और एक सही उचित इंसान के लिए प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो अधिगम का जो बाल विकास से संबंध है वो हम पढ़ने वाले हैं। बाल विकास का अधिगम से संबंध, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। क्या होता है लर्निंग? लर्निंग मतलब सीखना। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर निरंतर चलती रहती है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे आप बुढ़ापे में हो चाहे बचपन में हो, ये सारी अवस्थाओं में आप हमेशा सीखते रहते हो। और ऐसी सीखने से आप क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हो। क्या करते हो? अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हो। ठीक है, जो अधिगम प्रक्रिया है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हो जाती है? शैशवावस्था होती है आपकी। शैशवावस्था में अधिगम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जब आपकी शैशवावस्था होती है, जब आप सीखे सबसे पहले 9 महीने का बच्चा माँ पापा बोलना सीख जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति। तो अधिगम जो प्रक्रिया है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो कब स्टार्ट हो जाती है? शैशवावस्था में शुरू हो जाती है। शैशवावस्था में शुरू हो गए और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, जीवन पर्यंत तक ये चलती रहती है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें तीन चार चीज़ें होती हैं। कौन सी तीन चार चीज़ें होती है? सबसे पहले होता है सुनना। जो शुरू होती है अधिगम की प्रक्रिया वो सुनने से स्टार्ट होती है, और सुनने के बाद समझना। क्या होता है? समझना। हम कोई बच्चा अगर माँ शब्द सुन रहा है तो उसको समझेगा वो, ठीक है। समझने के बाद वो क्या निकालेगा? इसका अर्थ निकालेगा। ठीक है, अर्थ निकालने के बाद ये क्या करेगा? इस माँ शब्द का क्या करेगा? विवेचन करेगा। विवेचन मतलब बोलेगा यहाँ पर वो किसको? ये एक अधिगम की प्रोसेस है। क्या है? प्रक्रिया है ये अधिगम की। तो आज हमने क्या पढ़ा? मोटे मोटे तौर पे हमने पढ़ा बाल विकास क्या होता है, ठीक है, बाल विकास की अवधारणाएं क्या हैं, किन लोगों ने, किन किन मनोवैज्ञानिक लोगों ने बाल विकास की अलग अलग अवधारणाएं दी हैं, बाल विकास के कौन कौन से आयाम हैं, ठीक है, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन्हीं अवस्थाओं को हम पूरी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, उन्हीं अवस्थाओं से पूरा आपका बाल विकास जो है वो पूरा उन्हीं अवस्थाओं पे जाके निर्भर करता है। फिर हमने पढ़ा बाल विकास के आयाम कौन कौन से हैं, उन पे भी पूरा हम निर्भर करेंगे, पूरा बाल विकास उन्हीं पढ़ने वाले हैं। और बाल विकास और अधिगम से संबंधित, तो अधिगम तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपकी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका, चाहे आप गणित में शिक्षा शास्त्र पढ़ोगे या फिर गणित पढ़ोगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ना गणित सिखाएं, पर्यावरण को किस तरीके से पढ़ना सिखाएं, भाषा को किस तरीके से बोलना सिखाएं, किस तरीके से भाषा को सीखना सिखाएं, लिखना सिखाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूरी परीक्षा में पूछी जाएंगी। इसमें क्या है? 30 से 32 जो MCQ हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। किससे? इस चैप्टर से। तो हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम वो अब देखेंगे। ठीक है, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा अगला चैप्टर है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? अब 30 से 32 जो क्वेश्चन हैं, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट इससे बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्या करेंगे? पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आलसी हो, मेहनत नहीं करते हो, परीक्षा की डेट बढ़ जाती है, आप चद्दर ओढ़ के सो जाते हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उनका होगा जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। सिलेक्शन उनका होगा जो लॉकडाउन से लेके, जो परीक्षा की डेट चाहे आगे बढ़ते हैं, फिर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सिलेक्शन उनका होगा जो युवा ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जिसने लक्ष्य बना लिया है, जो भावी शिक्षक की बिल्कुल ये सोच के रखा है कि मैं भावी शिक्षक बनने वाला हूँ। सिलेक्शन उनका नहीं होगा जो बिल्कुल आलस में डूबे हुए हैं, जिन्होंने सोचा हमें पढ़ना ही नहीं है, जिन्होंने सोचा हम आके उनको कोई कद्दू दे देंगे और वो खा लेंगे, तो वो कद्दू हम दे नहीं पाएंगे उनको। ठीक है, उनको ऐसी कोई दवाई नहीं दे पाएंगे, उनको कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दे पाएंगे, ना उनका परिवार दे पाएगा, ना ये टीचर्स दे पाएंगे। आपको यहाँ समझना है, मेहनत खुद से करना है। क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो क्वेश्चन नोट करना है, उनको याद करना है, और ये क्वेश्चन तभी आप समझ पाओगे जब आप क्लास लोगे और क्या करोगे, पाठ्यक्रम को समझोगे। क्वेश्चन रटने से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से सिर्फ कभी पेपर पास नहीं होते। पेपर पास हमेशा तब होते हैं जब आपको विषय का ज्ञान होगा, और विषय का ज्ञान होने के बाद क्या करोगे? आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तब क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। आपके सोने से, आपके आलसपन से, आपके क्या होते हैं, आपके आलसपन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं लिख के ले लूँ आपसे, इसलिए आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, जो आने की संभावना, जो हमने आज पढ़ा है
उससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, संभावित जो आने की संभावना है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो विकास एवं बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न वाले हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक की व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये कथन किसने दिया था? तो हमको पता है, हमको क्या पता, ये कथन दिया था किसने? क्रो एवं क्रो ने दिया था। किसने दिया था? क्रो एवं क्रो ने दिया था, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा भी था ये, ठीक है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर करता है, उसके वातावरण पर पड़ता है, उसकी बुद्धि पर करता है, ठीक है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण मिलने वाली परिपक्वता पर करता है। तो आंसर है डी। क्या आंसर है इसका? डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे करता है, ठीक है। अगले अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन विकास से कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो, कार्य क्षमता में परिवर्तन मतलब तुम्हारा क्या है, मानसिक विकास हो रहा है कहीं, व्यवहार में परिवर्तन मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं सामाजिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन मतलब तुम्हारा मानसिक विकास भी हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन है मतलब तुम्हारे कौन सा विकास भी हो रहा था, तुम्हारा हो रहा है संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। आकार में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है विकास के संबंध में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आकार में परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तित्व और व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। कौन शामिल है? आदत है, स्वभाव है, रुचियां हैं या उपयुक्त सभी है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। विकास में की प्रक्रिया में आदत भी होती है, स्वभाव भी होती है और रुचि, ये सब रुचियां क्या होती है, जीवन के मूल्य, व्यक्ति व्यवहार के इत्यादि विकास में शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में किन बातों को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस प्रकार से अनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव को उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, ठीक है। तो ऑप्शन है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो देखो, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है लेकिन खत्म कहाँ होता है? मृत्यु पर्यंत तक। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ठीक है। तो बिल्कुल करता है विकास, ठीक है। विकास एकल व्यापी नहीं है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब बहुत से आयाम होते हैं इसके अंदर, जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, ठीक है। विकास पृथक होता है, विकास पृथक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, ठीक है। शिक्षा, अब कौन सा अगला टॉपिक है? बाल विकास की अवस्थाएं, जो हमने अवस्थाएं पढ़ी थी, शैशव अवस्था पढ़ी थी, बाल अवस्था पढ़ी थी, गर्भावस्था पढ़ी थी, उन अवस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न है उन पर हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में ये तीनों अवस्था का अध्ययन किया जाता है, हमने अभी पढ़ा भी था, तीनों अवस्था का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है? तो हमने बोला था कि सर्वाधिक गति जो होती है वो शैशवावस्था में होती है, भाषा सीखने से लेकर हर चीज की जो गति होती है किसमें होती है, शैशवावस्था में। चलना सीखना, बोलना सीखना, ये कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है, ठीक है। अगला, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो देखो, परिपक्व क्या होता है, जब इंसान की कौन सी अवस्था खत्म होती है, किशोर अवस्था खत्म होती है। हमने बताया था कि किशोर अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है। तो किसके बाद होगी? बाद होगी किशोर अवस्था के बाद कौन सी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मतलब परिपक्व हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, किशोर अवस्था। कौन सी आएगी? किशोर अवस्था। अगला अगला क्वेश्चन है, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? तो हमने बताया था आपको, विकास की जो सबसे जटिल अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। क्यों हमने बोला था ये, इसको हमने एक बार बोला था भूचाल अवस्था भी बोला था, और जटिल अवस्था क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यौन संबंधी जो तुम्हारी ग्रंथियां हैं उनको क्या हो जाता है, विकास होने लगता है, यौन संबंधी जो तुम्हारे अंदर भाव होते हैं उनका विकास होने लगता है, और इससे क्या होता है, मन तुम्हारा विचलित होता है। लड़के और लड़कियों में क्या होता है, आपस में बात करने का क्या होता है,
संबंध बनाने के क्या होता है, चंचल होने लगते हैं बच्चे, तो इसलिए ये अवस्था कौन सी होती है, जटिल अवस्था कहलाती है, कौन सी, किशोर अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है। सार्थक अधिगम मतलब होता है तुम्हारा कि धीरे धीरे सीखना, ठीक है, मतलब चीजों को जानना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हमने बोला था कि किसी चीज को हम जानने लगते हैं, जैसे हम माँ को पहचानने लगते, पापा को पहचानने लगते, रोटी को पहचानने लगते, खाने को पहचानने, तो ऐसी चीजों को, किताबों को पहचानने, जैसे हम बोलते हैं आ अनार, तो उसमें हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं आ अनार, तो उसमें बच्चा जब देखता है उस टेबल में अनार का मतलब ये, इसको अनार बोलते हैं, तो इस चीजों को बच्चा समझने लगता है। तो ये कौन से अवस्था में होने लगता है, शुरू में शैशव अवस्था में होने लगता है। ठीक है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, तो शैशव अवस्था को सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, भाषा बोलना सीख जाते हैं। अगर यहाँ पे बात इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, जो भाषा उसको परिवार से मिलती है, जो परिभाषा, जो बोलचाल उसको परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, सबसे पहले बच्चा वही भाषा सीखता है। ठीक है, अगली ओर चलते हैं हम, किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है, तो हमने यहाँ पे बताया था क्या होती है, यौन संबंधी समस्या जो होती है वो क्या होती है, किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुक्त करता है, कौन सी अवस्था में करता है, तो ये होता है किशोर अवस्था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति क्या होता है, परिपक्वता में पहुंच जाता है। ठीक है, बाल विकास के आयाम देखते हैं, अगला आपके बाल विकास के कौन कौन से आयाम, जैसे हमने देखा था शारीरिक विकास हुआ था, मानसिक विकास हुआ था, ये सब क्या क्या उसके आयाम थे, इन्हीं के ऊपर जो प्रश्न बनने वाले हैं उनमें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञात विकास में सर्वाधिक मददगार करता है, तो हमने बोला था जो मानसिक और संज्ञात्मक जो विकास होता है वो पूरा पूरा निर्भर करता है शारीरिक विकास पे, क्योंकि देखो अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास हो ही नहीं सकता, अगर वो कुपोषण या फिर छोटी छोटी बीमारियों से संबंधित है, वो ग्रसित है, तो उस समय क्या होगा, उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, पूरी तरह, तो इस पर पूरा हमने बोला था कि जो मानसिक और संज्ञात विकास वो किस पे निर्भर करता है, शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, ये हमने वहां पे बताया अभी था। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, देखो बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता। देखो सामाजिक विकास में हमें बुद्धि की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, समाज में मिलने की, तर्क शक्ति की जरूरत भी पड़ती है और भाषा प्रयोग की क्षमता की भी जरूरत पड़ती है, तो इसमें से आंसर जाएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलती है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बाल विकास के जो विभिन्न आयाम है और उसको इनके अधिगम मतलब इनको सीखने के जो लर्निंग के संबंध में जो भी कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है, हमको क्या करना है, ये कथन हमको बताना है। ठीक है, विकास के विभिन्न आयामों को आपस में घनिष्ठ संबंध एवं इसके अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है, विकास के जो आयाम होते हैं आपस में उनका घनिष्ठ संबंध होता है, हमने पहले ही बताया था, हर किसी का शारीरिक विकास का मानसिक विकास के साथ संबंध है, तो मानसिक विकास का आपको संवेगात्मक विकास के साथ संबंध है, तो आपस में क्या होता है, संबंध होते हैं। ठीक है, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल हमने बोला था ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कब तक चलेगी ये, जब तक मरण पर्यंत तक नहीं चलेगी, ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक ये चलती है। ठीक है, अगला है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक विकास मतलब मददगार करता है, ये हमने अभी क्वेश्चन पहले भी किया, तो हमने ये बताया कि शारीरिक विकास जो होता है विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञात्मक विकास में मददगार होता है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, जो क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो असत्य है। ठीक है, सब सत्य है। किसके किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं, सामरिक रूप से विकल्प चयन करें। ठीक है, तो किसके आधार पर हो पाएंगे आप बताओ, सबसे पहले संज्ञात्मक मतलब तुम्हारे जो मानसिक विकास होगा ना उसके आधार पर हम सबसे पहले क्या कर पाएंगे, वातावरण जैसे बदलेगा तो हम सबसे पहले अपने मानसिक विकास जो हमारा होगा उसके आधार पर हम क्या कर पाएंगे, सक्षम हो पाते हैं हम चीजों को समझने में, संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं इसको। ठीक है, जब किशोर में किसी वस्तु समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता परिपक्व हो जाती है, देखो तो हमने बोला था जब कोई बच्चा या किशोर होता है वो क्या करने लगता है, अपनी जो निजी निर्णय लेने लगता है, तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, संज्ञानात्मक तो विकास मतलब मानसिक विकास के ऊपर निर्भर करता है, उसकी मेंटल वो कैसी है। ठीक है, अगला, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है। ठीक है, किस किस तो इसमें हम बोल सकते हैं कि राजू को क्या होगा, सभी विकास में पिछड़ा होगा, अगर शारीरिक विकास से होगा तो संवेगात्मक विकास से भी पिछड़ा होगा,
बौद्धिक विकास से भी हुआ और सामाजिक विकास से भी हुआ। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग करने को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोगों को अवसर सप्राप्त करना। देखो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं छोटे, वो सबसे पहले वो भाषा सीखते हैं जो उनको परिवार से मिलती है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो जो भाषा सीख रहे हैं वो व्याकरण तौर पे या पर वो शुद्ध हिंदी सीख रहे हो, वो वहाँ की निजी भाषा भी सीखते हैं, उस प्रादेशिक भाषा भी सीखते हैं, बुंदेलखंडी सीख सकते हैं, वो उनके अंदर की छोटी छोटी बोलियाँ, वो भाषा भी सीख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हिंदी भाषा को सटीक तरीके से बोल पाए। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे भाषा बोल रहे हैं उनको बोलने से रोका जाए, क्योंकि अगर उनको रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह पैदा होगा, तो इस तरीके से वो क्या है, बोलने बोलने और सीखने में क्या हो जाएगा, उनकी कमी आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी उसकी भाषा का प्रयोग करने में अमान्य करना ये नहीं कर सकते, अमान्य नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत तरीका है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कौन सा है? प्रारंभिक बचपन काल मतलब होता है तुम्हारा शैशवावस्था, ठीक है। तो भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है ये, अति महत्वपूर्ण होता है मतलब अति संवेदनशील हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अति संवेदनशील होता है इस अवस्था में, ठीक है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो हमको पता है भाषा के जो विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक बच्चे का बचपन का समय जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक बचपन का समय, इस पे सबसे ज्यादा बच्चे सबसे तेज गति से भाषा सीखता है, ठीक है। कोई भी नाराज हो सकता है या यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है किससे संबंधित है, ये तुम्हारा जो संबंधित है संवेगात मतलब इमोशनल विकास है, जो तुम्हारा इमोशनल जो डेवलपमेंट है, जो तुम्हारे इमोशंस का जो विकास होता है उस पर निर्भर करता है कि तुम कौन से टाइम पे किस समय पर किस व्यक्ति से नाराज हो रहे हो, तुम्हारी नाराज होने की या फिर खुशी होने की या फिर जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है वो सही है या उचित नहीं है, ये तुम्हारा किस पे निर्भर करता है कि तुम्हारा जो इमोशंस के जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सामाजिक विकास से अगर सांस्कृतिक भावना बिल्कुल उत्पन्न होगी, धार्मिक भी होगी, सामुदायिक भी होगी, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था अधिगम का बाल विकास संबंधित, बाल विकास का अधिगम जो क्या संबंध है, तो उससे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा नहीं था क्योंकि हमने बोला था कि यहाँ पे परिभाषा आपको बता देंगे, ठीक है, यही चीज एक ही चीज है। तो यहाँ पे जो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ये अधिगम किसका, ये गेट्स ने दिया था, किसने बोला था, गेट्स ने। बालक द्वारा अधिगम प्रारंभ होता है, देखो जो बालक का जो अधिगम होता है सीखने की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था में चालू हो जाती है, मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ से वो सबसे 9 से 10 महीने का बच्चा होता है वो माँ बोलना सीखता है, फिर ठीक है वो पाड़ा या फिर आपकी ओलम वगैरह पढ़ना भी स्टार्ट कर देता है, वर्णमाला को पहचानना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्या करता है, चित्रों को देख के वो बोलना भी सीख जाता है। तो कौन सी अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रभावित क्षेत्र है कौन से हैं, मानसिक विकास है, भाषा विकास है, सामाजिक विकास है, सब तरीके से हम अधिगम प्रभावित होता है, भाषा विकास से भी ये अधिगम प्रभावित होता है लर्निंग। तो इसका आंसर क्या आता है, ये सभी अधिगम प्रक्रिया मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्न करने की प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण पहलू है अमूर्त सोच का, अर्थ निकालने का, विवेचन कार्य का या उपयोग सभी। तो उपयोग सभी मैंने आपको बताया था कि अधिगम की प्रक्रिया क्या थी, पहले हम सुनना सोचते हैं, फिर पहले सबसे हम सुनते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, एक अर्थ निकालते हैं, फिर उसका विवेचन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, एक प्रक्रिया पढ़ी थी हमने, तो वहां पे हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था। तो ये इसका आंसर क्या था, उपयुक्त सभी। तो ये जो भी प्रश्न हमने कराए हैं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, अगले क्लास में हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है विकास एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर हम चर्चा करेंगे।